ओम अज्ञान्तिमिदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखा मितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्प तरु वैश्य कृपा सिंधु महेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस ऑल प्रभु जी एंड माता जी। धन्यवाद प्रणाम हरि बोल धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आज जो थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहता हूँ, ये क्लास मुझे पता नहीं है आपके लिए होगा कि नहीं, लेकिन ये क्लास में मेरे लिए ही प्रीचिंग करना चाहता हूँ। बहुत सीरियस थोड़ी चर्चा कर लेंगे हम लोग, पता नहीं है प्रभु आपको कितना एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये क्लास में मेरे लिए प्रचार करना चाहता हूँ कि कितना मुझे सीरियस होना है कृष्ण भक्ति के अंदर। कार्तिक मास है तो थोड़ा सीरियस हो जाएगा हम कृष्ण भक्ति के अंदर। प्रभु कृष्ण भावनामृत बहुत सीरियस बिजनेस है, उसको चीपली मत लेना। बहुत डिवोटीज आ जाते हैं पर आने के बाद में जो है ना प्रभु बहुत कैजुअली लेते हैं, चांटिंग करना डांसिंग करना फिस्टिंग करना रहता रहना, लेकिन जो है उसका डेप्थ नहीं समझते, उसकी ग्रेविटी नहीं समझते, उसकी सीरियसनेस नहीं समझते। और जो व्यक्ति ने उसकी ग्रेविटी उसकी सीरियसनेस और उसका डेप्थ नहीं समझा है ना, तभी थोड़े समय के बाद में जो है प्रभु उसको समझ में आएगा कि ये मैंने सीरियस ले लिया है, उसकी वजह से उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब आती है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते रहते थे, इफ यू डोंट टेक सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस यू विल रिपेंट इट। आप पछताओगे प्रभु, क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस है, इसको जो है चीपली मत लेना। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमारा कृष्ण भावनामृत के अंदर फाइनल मोटिव ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए प्रभु जी, कि हमको कोई भी हालत में जो है वापिस भौतिक दुनिया में नहीं आना है। हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कोई भी किसी माँ के पेट में अभी आगे जाना नहीं है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि ये जन्म में जो है मुझे कोई भी हालत में ये सब खत्म करना है, और मैं उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी वापस रगड़ना नहीं है मेरा। हमारा ये प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, इसलिए उन्होंने मैगजीन भी उस समय 1944 के अंदर भी जब मैगजीन चालू किया, तब वो मैगजीन का नाम उन्होंने कृष्णा या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं लिखा था। प्रभुपाद ने 1944 में प्रभु जी प्रचार, प्रभुपाद ने ऑफिशियली प्रचार जो है वेस्ट कंट्रीज में गए और 1966 में गए, और उन्होंने 1944 में जब मैगजीन चालू किया, यानी 22 साल का गाला है, लेकिन फिर भी 1944 में भी प्रभुपाद ने जो है वो मैगजीन का टॉपिक पे कृष्णा या सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है, वो मैगजीन का नाम है बैक टू गॉड हेड। क्लियर है प्रभु जी हम यहाँ पे फंस गए हैं, हम यहाँ पे सड़ रहे हैं, हम यहाँ पे सफर हो रहे हैं, लेकिन सब सफर हो रहे हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता है। उसका ये मतलब नहीं है कि जो है हम इधर ही सफर करते रहे और रगड़ते रहे। इसलिए जो है हकीकत के अंदर जो है प्रभु एक अंदर से जो ज्वाला बन जानी चाहिए, कितनी उत्कंठा आ जानी चाहिए भक्त के अंदर कि मुझे कोई भी हालत में मेरा हमेशा के लिए ये चैप्टर क्लोज कर देना है। उसी के लिए मानव देह मिला है, उसी के लिए हमें कृष्ण कॉन्सियसनेस बड़ा सीरियसली लेना है। नो डाउट ये जो है प्रभु कृष्णा की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से ही ये सब पॉसिबल है। हमारी 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 औकात नहीं है कि हम इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म पे इतना छोटे समय में आ जाएंगे, लेकिन हमको हमारे तरफ से पूरी तरह से सिंसेरिटी बतानी है कि मुझे कोई भी हालत में ये चाहिए। अभी वो जो है अगर वो प्राप्त करना है तो प्रभु हमको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत ऑन गार्ड रहना है, बहुत अलर्ट रहना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी हमको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है
कि कोई भी हालत में मेरी कहां पर भी अननेसेसरली अटैचमेंट कहां पर भी ना आ जाए, कि जो अटैचमेंट मेरा जो है प्रभु कृष्णा भक्ति से मुझे दूर कर ले। हमको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना पड़ेगा, अगर हम उसके अंदर कहां पर भी फंस जाएंगे ना तो प्रभु हमारा जो मेन मकसद है ना वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे। व्यक्ति जो है प्रभु ये भौतिक दुनिया में इस तरह से रहना चाहिए, प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य कहते हैं कि जो है जब हम बाहर गांव जाते हैं प्रभु तो हम किस तरह से गेस्ट हाउस और होटल में रहते हैं। अभी 5-स्टार होटल में भी हम रहेंगे प्रभु, बेस्ट फैसिलिटीज मिलेगी, सब चीज बराबर अच्छा रहेगा और आपको सब चीज का बराबरी से ध्यान भी रखा जाएगा, लेकिन प्रभु आपको पता है 3-4 दिन में तो मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ने वाला है, आई हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर। तो प्रभु आप इतना भी अच्छी चीज रहेगी तो भी आप उससे अटैच नहीं होंगे। उसी हिसाब से प्रभु जी कॉन्स्टेंटली हमको हमारे घर के अंदर भी कॉन्स्टेंटली चेक करना है, ये घर मेरा गेस्ट हाउस है, ये घर मेरा होटल की तरह ही है, थोड़े समय के बाद में मुझे यहां से निकलना पड़ने वाला है, और जब भी मैं निकलूंगा तब नंगा ही निकलने वाला हूं मैं, सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, यहां से मैं नंगा ही निकलने वाला हूं, खाली मेरे को कपड़ा ही पहनाया जाएगा लेकिन दूसरा सब चीज यहां पर छोड़ के जाना पड़ने वाला है, और वो जब निकलूंगा तभी जो है अगर मेरा अटैचमेंट होगा ना तो मुझे बहुत तकलीफ देने वाला है, बहुत तकलीफ देगा। कॉन्स्टेंटली ये चेक करते रहना है कि मेरा घर जो है ना ये मैं गेस्ट हाउस में रहता हूं, कभी भी मुझे निकलना पड़ने वाला है। इसी हिसाब से जब भी मेरे हमने एक नया घर लिया था, जो अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो राधानाथ महाराज मेरे गुरु महाराज जो है घर पे आए थे, तो घर पे आने के बाद में थोड़ा गढ़ बढ़ा है, जो मैं 340 स्क्वायर फीट में 21 साल रहा और ये 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, यानी 3 times बड़ा हो गया था ये घर। तो महाराज आए, गुरु महाराज आए और सब घर पे आए, सब देखा, सब जगह पे बैठे थे, और फिर बाद में उन्होंने मुझे एक बहुत सीरियस इंस्ट्रक्शन दिया, और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया मुझे, हमेशा याद रखना ये तेरा सच्चा घर नहीं है, ये तेरा सच्चा घर नहीं है, ये घर के थ्रू, ये घर से तू जो है तेरे सच्चे घर पे जाने के लिए ये घर कृष्ण ने दिया है तुझे, लेकिन अगर ये घर के अंदर तू अटैच्ड हो जाएगा ना तो तेरा सच्चे घर पे नहीं जा पाएगा। इसलिए कॉन्स्टेंटली याद रखते रहना कि कोई भी हालत में घर के अंदर से अटैच मत होना, ये घर से तेरे को पूरे तेरे जो ओरिजिनल घर है ना बोलो वृंदावन में, वहां पे तेरे को जाना है, और ये घर के अंदर तू अननेसेसरली अटैच्ड हो जाएगा ना तो ये घर के अंदर जो है या तो वो कैलाश की तरह तू इधर उधर घूमता रहेगा, और या तो ये चींटी या कॉकरोच या लिजर्ड बन करके घर के अंदर घूमता रहेगा। मेहरबानी करके याद रखना कृष्णा ने ये कुछ भी फैसिलिटीज तेरे को दिया है वो फैसिलिटीज जो है तेरे को गोलोक वृंदावन जाने के लिए दिया है, उसका कोई भी कारण नहीं है। बी वेरी कॉशियस एंड बी वेरी ऑन गार्ड। प्रभु जी हम हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे घर की, फैमिली हमने खड़ा किया है, इंद्रतुप्ति हमने किया है, हम हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, हम इसमें से बांछो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे उनको, हमारा फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी, हमारा बिजनेस, हमारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं वहां पे अगर हमको पूरा लोग गाली दबाचा भी देंगे, हमको बराबर जस्टिस भी नहीं देंगे तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। क्यों नहीं कि उनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमको कृष्णा को दिखाने के लिए कि मैं मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूं। लेकिन कॉन्स्टेंटली हम चेक करता रहना चाहिए प्रभु कि अगर मेरे को बोला जाए, नोटिस मिले कि भाई इधर से निकलना, एम आई रेडी और नॉट, मैं तैयार हूं कि नहीं इधर से निकलने के लिए। अगर मैं तैयार नहीं हूं दैट मीन्स भले बाहर से मैं बोलता हूं मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूं, लेकिन अंदर से मैं अटैच्ड हूं यहां पे, और मैं अटैचमेंट की वजह से मैं यहाँ पे लटक जाऊंगा। कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना चाहिए कि मैं जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही मैं कर रहा हूँ या तो मैं अटैचमेंट की दृष्टि से कर रहा हूँ। मुझे हमेशा एक चीज बहुत अच्छी तरह से याद रहता है प्रभु कि मेरा गुरु भाई है व्रज बिहारी प्रभु, आई एम रियली सीरियसली प्लानिंग एंड ही हैज ऑलरेडी गिवन हिज कंसेंट ऑल्सो कि वो हमारे साथ में यात्रा में आएंगे, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ब्रह्मचारी है प्रभु। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि अगर अहेतु की कृपा से अगर कृष्णा तेरे को अभी मिलने आए और तेरे को कृष्णा बोले कि चल तेरे को अहेतु की कृपा से वैष्णव गुरु सब लोग की कृपा तेरे को मिली और इसलिए मैंने सेंक्शन दे दिया है कि तेरे को अभी मैं भगवत धाम गोलोक वृंदावन लेके जाता हूं,
तो तेरी क्या चेतना है, तू इतना इतना तीव्र है, इतना तत्पर है उसके लिए कि तू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी देखना कभी तू खड़ा नहीं रहने वाला है, तू इमीजिएटली इधर से निकल जाएगा। अगर तेरी ये कॉन्शियसनेस है दैट मींस ऑल्दो तू किधर भी है यू आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन अगर तू फिर दूसरी कहां पर भी है, अरे तू साधु और सन्यासी भी हो गया है लेकिन तू फिर भी बोलेगा अरे ये मैं करके आता हूँ, ये करवा देता हूँ, ये मिल के आता हूँ, जरा सबको हरी बोल करके आता हूँ और सबको बोलता हूँ जरा ध्यान रखना अभी मैं जा रहा हूं, अगर ये सब चीज भी है स्टिल यू आर अटैच्ड, जो भी तू कर रहा है सब खाली कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करते रहना है, लेकिन कॉन्स्टेंटली फॉलो करता रहना है। जाना है उधर भाई, इधर लटकना नहीं है मुझे। This should be a very thorough seriousness in our Krishna consciousness, प्रभु। ये कहने का मुख्य ये क्लास में इसके लिए दे रहा था प्रभु, पिछले सोमवार के दिन जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय और हमारे मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, तो वो था प्रभुपाद ने डिसेपरेंस दिया था हमारा। प्रभुपाद 1977 में उन्होंने जो है ये देह छोड़ दिया था शाम को 7:20 और समथिंग। प्रभु जी आप अगर प्रभुपाद लीला पर सुनोगे या तो आपको वो फाइनल पास्ट टाइम प्रभुपाद जी का सुनोगे ना, तो प्रभुपाद के सब डिसाइपल्स उनके पास में सबको पता चला कि अभी प्रभुपाद ज्यादा जीने वाले नहीं है, तो सब लोग प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोला प्रभु जी हाँ प्रभुपाद हम आपके लिए क्या करें, हम आपके लिए लेके आवे, हम ये सेवा कर ले आपको, काम आपको कैसे अभी प्रसन्न कर सकते। अभी याद रखिये प्रभु जी प्रभुपाद ने ये मूवमेंट जीरो से चालू किया है, बिना किसी सपोर्ट से चालू किया है, संघर्ष बहुत किया है, सालों तक का संघर्ष किया है और फाइनली उनको सक्सेस जबरदस्त मिला। प्रभु पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई, 108 मंदिर पूरे दुनिया में उन्होंने बनाए, हजारों के हजारों जो लोग जो है जिन्होंने कृष्णा का नाम भी नहीं सुना था, उनकी 7 पीढ़ी में नहीं सुना था, उनको जो है दीक्षा दिया है और इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड वैष्णव का फॉलो किया है प्रभु उन लोगों ने, कितना बड़ा सक्सेस हुआ है। हा? लेकिन उस समय जब प्रभुपाद को पता चल गया कभी मेरा सब खत्म हो रहा है और कृष्णा मुझे बुला रहे हैं, अभी मेरा फाइनल टाइम चल रहा है, तो भक्तों लोगों ने पूछा हम आपके लिए क्या करें, हम आपके लिए क्या करें, तो प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला है, बहुत सुंदर, ये हमारे जीवन के लिए इतना महत्व का है। प्रभुपाद ने वो वाक्य बोला है, कुछ इच्छा नहीं सिर्फ कीर्तन करते रहो। प्रभु हमको भी चेक करना है, प्रभुपाद कंप्लीटली डिटेच्ड हो गए। अभी आप थोड़ा अंदाजा लगाओ जो व्यक्ति ने इतना सीरियसली एक मूवमेंट चालू किया था फ्रॉम द जीरो, लेकिन जब उनको पता चला कि बस अभी खत्म हो गया है, कृष्णा को मुझे ये प्रसन्न करने के लिए सब चित किया है, अभी ये सब कृष्णा ने करवाया है और कृष्णा को मैं अभी वापस दे रहा हूँ, अभी मेरा फोकस तो सिर्फ कृष्णा के लिए ही है, कृष्णा मैंने ये आपके लिए किया है, अभी आप मुझे बुला रहे हो, आई एम रेडी टू कम विथ यू, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर अस प्रभु, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी सीरियस थिंग प्रभु, डोंट टेक इट चीपली, ये हमारे जीवन में ये आने वाला है, जैसा प्रभुपाद ने अपने एग्जांपल से बताया। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे जब ये उनकी लास्ट फाइनल पास टाइम आया था तब सबको बोलते थे डोंट थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू कम ऑन यू ऑल्सो, आपको भी ये सब चीज आने वाला है आपके लाइफ के अंदर, हमको डिटैच होने पड़ने वाला है, हमको सब जगह से निकलना पड़ेगा, और अगर हम अटैच रहे दैट मीन्स हम कृष्णा को बता रहे हैं मैं इसके लिए वापस आने के लिए मुझे इसके लिए लायक हो, मुझे इधर आना पड़ने वाला है क्योंकि मेरा अटैचमेंट इधर है। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड प्रभु जी, इसलिए जो है ऐसा बताया जाता है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी सीरियस प्रोसेस, इट इज नॉट अ गुड़ी गुड़ी थिंग प्रभु। उसी हिसाब से आप देखेंगे परीक्षित महाराज, प्रभु परीक्षित महाराज को जो है प्रभु जी जब बताया गया कभी तुम 7 दिन से ज्यादा रहने वाले नहीं हो, अभी परीक्षित महाराज सम्राट थे, करेक्ट, पूरी दुनिया के राजा थे, पूरी दुनिया के राजा होने के बाद में प्रभु जी दिस क्वाइट नेचुरल, कितना टेंशन, कितनी एंजाइटी, कितना प्रेशर होता है लाइफ में, लेकिन जब उनको पता चला कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो, प्रभु जी वो सब चीज उन्हें इमीडिएटली सब निकाल दिया, एक साधु का धोती और ऊपर उपरना पहन करके निकल पड़े। अभी कैन यू इमेजिन प्रभु जी कैसे हो सकता है, एक सम्राट व्यक्ति जो है विद इन सेकेंड्स, अरे विद इन मिनट्स निकल जाने का, ऐसा ही कैसा हो सकता है। मैंने जो है ना प्रभु जी जब मैं क्लास सुनता था गुरु महाराज के पास से, तो मैंने राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा, महाराज ये कैसे पॉसिबल है, अरे हमारा एक छोटा सा घर होता है तो भी हमको अगर नोटिस मिलेगा तो मरने वाला है, तो एटलीस्ट मैं एक आध दिन के अंदर सबको बताऊंगा भाई देखो मैं जा रहा हूँ अभी मरने वाला हूँ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट सब प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना।
ऐसा अगर मैं नहीं करा तो मैं मेरा इनरिस्पॉन्सिबल कहा जाऊंगा, तो ये कैसा पॉसिबल है। और परीक्षित महाराज वो सच्चे सिंसियर पर्सन, उन्होंने कली को भी पकड़ करके रखा था, तो ये इतना 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 मैच्योर डिवोटी ऐसा कैसे इमीडिएटली सब निकल जाए। ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज ने मुझे बताया था उस समय। महाराज ने बोला था, प्रभु उन्होंने पहले से ही प्लानिंग करते करते जिंदगी निकाला था कि कभी भी ऐसा कोई स्थिति आएगा तो मेरी तैयारी पूरी है। प्रभु उसी हिसाब से गुरु महाराज मुझे बोल रहे थे, यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर इट वेरी सीरियसली, प्रिपेयर नाउ, अभी से तैयारी चालू करने लगो, जिससे वो टाइम हमारे जीवन में आ गए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हम तैयार रहे उसके लिए कि ऐसा कुछ हो जाए तो मेरी तैयारी होनी चाहिए। ये सब इतना, इट शुड बी सो फास्ट प्रभु, इट शुड बी सो फास्ट इमीडिएटली, ये सब चीज इतना करना है। इसलिए मैं हमेशा फाइनेंस के लेक्चर्स के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभु जी आपका जैसा जैसा एज बढ़ता है ना, ऐसा ऐसा आपका लाइफ के अंदर जो है ना, बहुत सब जगह पे हाथ मत रखना। एक प्लॉट ले लिया ना, एक फ्लैट ले लिया ना, एक इधर ले लिया ना, ये कर लिया ना, ये कर लिया ना, ये कर लिया, और उसके वजह से जब मृत्यु की नोटिस आई तो सब उसका ही विचार करके मरे। इट शुड बी केप्ट वेरी सिंपल प्रभु, जिससे वो फटाफट डिसीजन ले लेवे, फटाफट अरेंज करे और हमारा लाइफ एकदम फोकस हो जाना चाहिए कृष्णा के लिए। परीक्षित महाराज ने करके दिखाया प्रभु जी। उसी हिसाब से भीष्म पितामह देखिए, भीष्म पितामह प्रभु जी इतना टेंशन, उन्होंने भी पूरा क्या क्या किया है प्रभु जी, ये वॉज बेसिकली सम्राट, वही सब मैनेज करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि अभी मेरा मृत्यु का टाइम आ गया है, प्रभु जी इतना सिद्ध होने, वो मान की शैया में थे और उनके इच्छा मृत्यु था, तो इच्छा मृत्यु होने की वजह से उन्होंने देह नहीं छोड़ा। वो देह क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि पक्का पता जो उन्होंने नक्की किया था, जब तक कृष्णा सामने नहीं आएगा तब तक देह नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमको पता है जब कृष्णा आए सब दूसरे पांडवों के साथ में, तो उन्होंने बराबर सब चीज से डिटैच हो गए, सब चीज से डिटैच होकर के खाली कृष्णा पे फोकस करने लगे। और मकर संक्रांति के दिन जो है प्रभु, कृष्णा पे पूरा फोकस करके उन्होंने देह छोड़ दिया। ये हमारी परंपरा दिखा रही है प्रभु जी, ये हमारी परंपरा दिखा रही है किस तरह से हमको जीना है। हरिदास ठाकुर प्रभु, हरिदास ठाकुर भी जो है वो हिसाब से जो है प्रभु जी, उन्होंने जब महाप्रभु को बोला कि जाना मुझे जीने का नहीं, आपके सामने मुझे मेरा देह छोड़ना है, और फिर दूसरे दिन जो है महाप्रभु जो है सब वैष्णव को लेके आए, और फिर जो है हरिदास ठाकुर जो व्यक्ति इतना रोज का 3 लाख जपा करता था, इतना प्रचार करता था, सब चीज होने के बाद में उन्होंने सब वैष्णव को बराबर प्रणाम किया, दंडवत किया, और फिर महाप्रभु को जो है दंडवत किया और महाप्रभु का चरण अपने हृदय में रख करके महाप्रभु पे पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन महाप्रभु के अंदर बराबर से फोकस कर दिया, उनको उनका चरण पूरा हृदय के अंदर अपने आंख के अंदर ले लिया और देह छोड़ दिया। ये सब क्या दिखा रहा है प्रभु जी, ये क्या दिखा रहा है, हमारी ये परंपरा बता रही है, बी प्रिपेयर्ड, बी सीरियस, बी कमिटेड इफ यू वॉन्ट टू फिनिश योर बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। इसलिए प्रभु जी हमको चेक करना है कि हमारा जो है प्रभु जी, हमारे पास सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा पोजीशन है, हमारे पास स्टेटस है, हमारा बड़ा बड़ा एमिनिटीज है, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़िया है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास बड़ी पोजीशन है, हमारे नेम फेम है, हमारा पावर पोजीशन है, हम बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, ये सब चीज जो है प्रभु जी हमको समझ में आना चाहिए कि ये सब चीज मुझे छोड़ना है और हमेशा चेक करते रहना है, ये सब चीज चला जाने के बाद में भी मैं कृष्णा भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करने वाला हूं, और ये चीज अगर मेरे को सब छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं, अगर ये नहीं है तो दैट मींस स्टिल भी मैं ये चीज में अटैच हूं, कृष्णा से अटैच नहीं हूं मैं इतना, ये हमको चेक करते रहना पड़ेगा प्रभु। अगर ये चीज के अंदर अगर आप अटैच हो तो प्रभु एकदम सीरियसली कृष्णा भक्ति के अंदर बराबर इंटेंसिटी के साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा और कृष्णा से याचना करना पड़ेगा, कृष्णा संभाल लो मुझे, मैं फंस गया हूं इधर। कॉन्स्टेंटली डिवोटी चेक करते रहना चाहिए मेरा नेम फेम पावर पोजिशन ग्रॉस और सटल अटैचमेंट इतना है कि वो कृष्णा से ज्यादा है, अगर कृष्णा से ज्यादा है दैट मींस मैं कृष्णा के लिए लायक नहीं हूँ कृष्णा की मर्सी प्राप्त करने के लिए। ये डिवोटी हमेशा याद करते रहना, ये सब चीज मैं कृष्णा आपको प्रसन्न करने के लिए करना चाहता हूं, अगर आपको चाहिए तब तक मैं करूंगा, जिस दिन आप बोलेंगे हरि बोल उसी दिन भटकन कर दूंगा, मुझे सिर्फ आपको ही प्रसन्न करना है, दूसरा मेरे लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं। ये चीज होना जरूरी है प्रभु अगर हमको भगवत धाम जाना है तो। और प्रभु क्या पता अगर आपने सीरियसली नहीं लिया और आपको वापस इधर आना पड़े, क्या मालूम प्रभु अगले जन्म में कैसा कॉन्शियसनेस रहेगा, ऐसा उधर इतना सुंदर भक्तों का संग मिलेगा,
इतना सुंदर हम ब्रह्म मुहूर्त में जपा कर पाएंगे क्या मालूम है प्रभु, वाई नॉट वी टेक इट फुल्ली सीरियसली एंड फिनिश इट ऑफ। हाँ हो सकता है प्रभु जी आपके अंदर थोड़ा घबराहट है कि नहीं ये तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं, अभी मेरे में तो बहुत तकलीफ है, अभी भी अटैचमेंट है मेरा। तो प्रभु हमको सीरियसली आपको एक सिग्नल मिलनी चाहिए, बैल बजना चाहिए पीछे से, परीक्षा आने वाली है तैयारी नहीं हुई है, परीक्षा आने वाली है तैयारी नहीं हुई है, सीरियसली हो जाने तो तू गड़बड़ हो जाएगा तेरी लाइफ में, और वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। प्रभु जी चार चीज याद रखने का है, चार चीज अगर सीरियसली आप रखेंगे तो हो सकता है आपकी चेतना बढ़ती जाए। पहला जो है प्रभु यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली अवर साधना। व्यक्ति ने साधना अगर बराबर सीरियसली ले लिया होगा ना तो प्रभु ये सब चीज बराबर से जो है ठिकाना आने लगेगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, भक्तों के संघ के अंदर प्रभु जी बहुत परिवर्तन बड़ा आता है। मैं देख रहा हूँ प्रभु हम जो हम लोग जो मिल रहे हैं ना प्रभु, नो डाउट कार्तिक महीने की वजह से थोड़े डिवोटी भार्गव गए हुए हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं देख रहा हूँ देयर आर सम वेरी सीरियस डिवोटीज जिन्होंने हर एक दिन ऑलमोस्ट एवरी डे आकर के बैठ जाते जपा करने के लिए। प्रभु उनको देखना भक्तों के संग में क्या परिवर्तन आ गया, क्या परिवर्तन आया। सो प्रभु स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, और तीसरा बड़ा फोकस लाइफ। हमारा लाइफ इतना फोकस होना चाहिए, वेरी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मुझे कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में भी नहीं जा रहा, मुझे खत्म करना है यहाँ पे, मैंने बहुत किक मार खा लिया इधर, मुझे चाहिए अभी कृष्ण ही। सो थर्ड थिंग इज द फोकस एंड गोल शुड बी वेरी क्लियर। एंड फोर्थ प्रभु यू शुड हैव अ थोरो ह्यूमिलिटी इन योर हार्ट। मेरी औकात नहीं है जाने के लिए, मेरा अनर्थ अनर्थ तो गया नहीं है, मेरी वासना तो गई नहीं है, अभी भी लस्ट मार रहा है, ग्रीड मार रहा है, एंगर ईगो एंग्री सब मारता रहता है, मेरी क्या औकात है जाने के लिए। मेरी खाली एक ही चीज है, अगर वैष्णव ने मेरे पे कृपा किया, गुरु ने कृपा किया, परंपरा ने कृपा किया, फाइनली कृष्ण ने कृपा किया, तो मैं इधर से बाहर निकल सकता हूँ। विद दैट ह्यूमिलिटी, दैट मीन स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, फोकस एंड सीरियस ह्यूमिलिटी, ये सब चार चीज का समन्वय करके वो इंटेंसिटी बढ़ाते जाना पड़ेगा। और इंटेंसिटी और इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, सब ड्यूटीज करेंगे, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेंगे कि किधर भी कोई प्रॉब्लम ना आवे। और फिर जो है जैसा प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, कुछ इच्छा नहीं, सिर्फ कीर्तन करते रहो। प्रभु हमारा भी ऐसा टाइम आने वाला है, कुछ इच्छा नहीं है, कॉन्शियसनेस आना पड़ेगा हमारे जीवन में। प्रभु ये सोमवार जो है ना हमारे लिए कार्तिक का महीना भी एक बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि क्या अपना नंबर आने वाला है। प्रभु यहाँ पे कोई भी बैठा है सबको आने वाला है ये चीज। ठीक है आप बोलेंगे मैं तो जवान हूं थोड़ा टाइम लगेगा, जवान हो तो आपको तैयारी ज्यादा करनी है भैया, जिससे आपको कचरा अंदर ना आ जाए जल्दी। और जो बूढ़े हो गए उसको ज्यादा फोकस करके देखते रहना है कि मेरा कोई भी जगह पे गड़बड़ ना आ जाए अभी, क्योंकि अभी नंबर कभी भी लगेगा। सो प्रभु आज जब हम माला करने बैठेंगे ना, हम 32 माला हम करेंगे, वो कृष्ण से इतनी याचना करेंगे, और सीरियसली कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि हे कृष्णा मेरे को कोई भी हालत में मेरी कॉन्शियसनेस एकदम फोकस रखना, मेरा गोल एकदम क्लियर रखना। मैं आपसे याचना करता हूँ कृष्णा मेरा यह फोकस एकदम क्लियर रखना कि मेरा जो है ये सब चीज से मैं हमेशा डिटैच रहते जाऊं, और एक बाजू मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूं और एक बाजू मैं डिटैच करूं, और मेरा ये साधना एसोसिएशन फोकस और ह्यूमिलिटी बराबर बराबर रहता रहे, जिससे जो है एक बाजू मैं सब चीज आपको प्रसन्न करने के लिए करूं और मेरा गोल एकदम फोकस हो गए, जिससे जब ये फाइनल टाइम जब मेरा जीवन में आएगा ना, तब मैं भी प्रभुपाद की तरह मैं भी बोलूं कुछ इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं कृष्णा, अभी सिर्फ तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे लेके जाओ यहां से। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु हम यहाँ पे माला करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जपा करते हैं, हमारा फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। नो डाउट प्रभु जी हमारे एडवांस वेरी एडवांस एडवांस डिवोटी तो वहां तक जाते हैं, जैसे वासुदेव दत्त है, प्रहलाद महाराज है, उनको तो जन्मों जन्मांतर इधर आना है, हमारे जैसे जो जीव है जो एकदम एकदम फंस गए उसको लेकर के बाहर भेजना है और वो यहीं पर रहना चाहते हैं। प्रभु आप लोग हो गए तो बहुत ग्रेट हो, मेरा तो नहीं है वो कॉन्शियसनेस प्रभु, मैं तो इतना एलिवेटेड नहीं हूँ प्रहलाद महाराज और वासुदेव दत्त, मुझे तो ये जन्म में जितनी सेवा कर सकता हूँ उतना करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब भी आगे नहीं आना है, बहुत मार खा लिया इधर, मैंने बहुत मार खा लिया, देख लिया दुनिया, दुनिया देख लिया। आई स्टार्टेड प्रैक्टिकली आई हैव नो टाइम टू से राइट नाउ द टाइम इज सो बैड,
प्रभु मेरा दुनिया देख लिया, आई हैव सीन दिस वर्ल्ड, पहले एकदम पॉश, बाद में नीचे वापिस ऊपर, फिर अभी देख लिया उसमें सब दुनिया में सब आ गया मेरे सामने, सब दुनिया में देख लिया क्या क्या होता है यहाँ पे, सब चीज जीरो ही होती है, सब सब स्वार्थ है, एक दूसरे का पाव खींचते हैं, फाइनली कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे, सब नाटकबाजी चल रही है। ऐसा यहाँ पे जिंदगी ज्यादा निकालनी नहीं है अपने को, अपना फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फंस गया हूँ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि बाथरूम के अंदर हम घर नहीं बनाते, बाथरूम में सोने नहीं जाते, बाथरूम में काम करके बाहर निकल जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से अभी ये बाथरूम में फंस गए प्रभु, काम करके निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये लटके नहीं, अभी लटकेगी नहीं प्रभु। सो प्रभु वो हिसाब से वी विल चांट वेरी सीरियसली टुडे एंड प्रभुपाद को कंटिन्यू से याद करते रहेंगे कि मेरा भी जीवन में ऐसा कभी एक दिन आएगा जब मैं भी एक बोल सकूं जब मेरे को मेरी कुछ इच्छा नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ कृष्णा ही चाहिए मेरी लाइफ में, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु मेरे में तो नहीं आया अभी भी अटैचमेंट है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना, प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु दैट आई कैन गेट दिस कॉन्शियसनेस इन माई लाइफ, कि मैं ये एकदम फोकस करके मैं खत्म कर लेना चाहती हूँ। आई प्रे टू ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु कि मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं जो है वही भावना लेकर के कृष्णा भक्ति के अंदर एकदम मैच्योर होते जाऊं। So grateful if you pray, and I will also pray for all of them. प्रभु हमको इधर नहीं आ रहना है, मैं तो हमेशा विचार करता हूँ एक बार ऐसा एक फेज आ जाना चाहिए, हमारी इतनी डिटैचमेंट बढ़ जानी चाहिए, इतना अटैचमेंट आ जाना चाहिए कि कृष्णा जैसा मेरे वो ब्रज बिहारी प्रभु बोलते थे चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ, और इतना भागते हम लोग, चलो निकल जाते हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखने का भी इच्छा नहीं है। अगर हमारी ये ऐसी कॉन्शियसनेस हो ना तो कृष्णा पूरा चार्टर प्लेन इधर भेज देंगे, चलो सब बैठ करके निकल जा रहे हैं, क्या इधर रहने जैसा है। Could be anyway. So, Prabhu, we'll chant very seriously today, right now, with that thinking in our mind. खत्म करना है, ये जन्म में खत्म करना है, इधर वापस नहीं आना है। और वो प्रभुपाद के जैसा सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का, कितना भी ऑपुलेंस हमारा हो गया, क्या ऑपुलेंस प्रभु, सब चीज छूटने वाला है, सब चीज यहाँ पे कुछ भी पोजिशन हो गया, सब चीज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वी आर ओनली अटैच टू कृष्ण एंड ओनली कृष्ण। This should be the consciousness, this should be the focus, Prabhu. So with that consciousness, today we'll chant the holy name, Prabhuji. Or as usual, hum 32 mala karenge. Aur aaj jo hai, Prabhu, kyunki 2-3 hafte se hum log ne kuch meeting nahi kiya hai, to aaj hum 9 baje jo hai, Prabhu, meeting karenge. Thodi important meeting hai. Humare Vipul Prabhu ki health bahut bigad gayi hai. Every devotee, my humble request is his health has become very deteriorated. Unko back ka problem bahut bad gaya hai. तो मेरा हम हर एक डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि प्रभु उनके लिए थोड़ा हकीकत में सिंसियरली आप जपा करो और उनके लिए प्रार्थना करो, वो ठिकाने आ जावे उन्होंने। और मुझे पक्का लग रहा है कि ये हेल्थ जो उनका बिगड़ा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ अस, वो बहुत स्ट्रेस किया उन्होंने लाइफ में ये पिछले 6-7 महीने में, प्रभु जी हमको सबको ठिकाने रखने के लिए इतना सॉफ्टवेयर में ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट, इतना रिकॉर्ड रखने का, ये करने का वो करने में, उसमें जो है प्रभु उन्होंने पूरा रेस्ट नहीं लिया, और रेस्ट नहीं लेने के वजह से उनका बैक का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, ही कुड नॉट सिट आल्सो प्रॉपरली। और वी आर आई टोल्ड हिम आई एम गिविंग यू कंसेशन ना प्रभु, और ऑल डिवोटीज आल्सो हैज टू एग्री, हो सकता है प्रभु वो बैक प्रॉब्लम की वजह से वो बराबर बैठ ना पा रहे तो वापस उनको लेटना पड़ेगा, तो भी प्रभु जी वी विल अलाउ हिम, हाँ प्रभु जी, बिकॉज ही इज रियली सच्चे, उन्होंने मेरे ख्याल से ये पिछले 6 महीने के अंदर एक दिन भी मिस नहीं किया हमारे साथ में प्रभु, दिस इज द वे यू शो हिज सिंसियरिटी। तो प्रभु आज हम जो थोड़ा मीटिंग करेंगे, हम जो है प्रभु जी वो यात्रा का भी डिस्कस करना है, लेकिन जो है विपुल प्रभु का हेल्थ खराब है, तो वी आर गोइंग टू डू सम एडजस्टमेंट्स, तो यात्रा का भी डिसीजन लेना है प्रभु। और एट द सेम टाइम प्रभु हमने लास्ट 1-2-3 हफ्ते पहले ही वी हैव टोल्ड यू ऑल ऑफ देम दैट हम लोग 128 राउंड्स जो है नहीं करेंगे, क्योंकि जो है डिवोटीज को जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, दे कैन नॉट गिव प्रॉपर जस्टिस टू देयर फैमिली मेंबर्स, तो उसके लिए जो है प्रभु वी वांटेड टू टेक सम वेरी सीरियस कंसर्न From you, कि हम जो है जो हमारे घर पे रोज हर महीने महीने में एक दिन छुट्टी के दिन हम लोग 64 माला सालों से कर रहे हैं, और वो जो है सुबह में 5 बजे से चालू होता है और 1 बजे तक खत्म हो जाता था, तो हमको वो पूछना है कि आप लोग वो उसके लिए परमिशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, तो अगर देना चाहते हो तो ये कार्तिक महीने का जो है लास्ट फ्राइडे को भी फ्राइडे लास्ट डे है कार्तिक महीने का, और वो छुट्टी का दिन भी है,
गुरु नानक जयंती पब्लिक हॉलीडे है, तो उस दिन हम 64 राउंड्स करें, जिससे लास्ट दिन ऑफ कार्तिक के दिन हम साथ में बैठ करके एक दिन महीने में एक दिन वी कैन चांट 64 राउंड्स, सो दैट एटलीस्ट कार्तिक में पूरे महीने तो खाली 9-9 बजे मैक्सिमम कर पाए जपा, तो वी कैन डू इट और नॉट, बट वी वांट टू टेक योर परमिशन। अगर और परमिशन जो है प्रभु उस हिसाब से करना चाहता हूँ कि जो है आप लोग जो है अगर बोले विद कंप्लीट प्रॉपर कॉन्शियसनेस कि हमको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रभु कि आप जो है जपा 5 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे, 12:30-12 बजे तक खत्म हो जाएगा, देन फॉर द फुल डे यू कैन बी विथ योर फैमिली, यू कैन डू प्रॉपर जस्टिस टू योर फैमिली मेंबर्स, आपको रेस्ट भी बराबर मिले, आपको छुट्टी का दिन है तो वो सब चीज हो सकता है सब, लेकिन आपको लग रहा है कि 12 बजे भी बहुत ज्यादा है तो वी विल कैंसिल इट आउट। सो प्रभु वी वॉन्टेड टू टेक योर कंसेंट ऑल्सो, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है इफ इट इज पॉसिबल प्लीज ज्वाइन अस एट 9 o'clock so that we can discuss all these things in proper detail and get your consent what we wanted to do in future. Thank you very much, Prabhu. Time jada le liya. Please forgive me, Prabhu. Vancha kalpa taru vashya kripa sindhu vahemacha patita nam pavanebhyo vaishnavibhyo namo nama anantakoti vaishnav vrinda ki jai jai shila Prabhupada jai shi Guru Maharaj jai shi anantakoti vaishnav vrinda. Prabhu, as usual, we will be chanting up to 8:30. Nobody should leave from before 8:30. And 8:30 और 9 के बीच में आप जा सकते हो, और 9 बजे पॉसिबल है तो प्लीज आइएगा एंड वी कैन डिस्कस इट आउट वेरी नाइसली। विपुल प्रभु